फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे हमारे आदिवासी कल्चरल की कुछ ऐसी कलाकृतियाँ, छवियाँ जो आपको बेहद पसंद आएगी और आशा है आप उसे एक्सप्लेन भी कर लेंगे या हम कभी टाइम मिले कर देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल एनजी बब्बी यानी चंदीली को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस एक ही पेंटिंग में पूरे प्रदेश की झलक दिखाई दे रही है। यहाँ फ्रेंड्स, ये है हमारे प्रदेश की जग विख्यात वारली पेंटिंग। इसमें आप देख सकते हैं तारपा नृत्य का प्रदर्शन दिखाया गया है और सभी त्यौहार के बारे में बताया गया है। एक ही पेंटिंग में पूरे प्रदेश की झांकी दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की ओर। फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड में टॉप में आप देख सकते हैं कि खेती में यूज़ करने वाले हथियारों की पूजा हो रही है, बैल की पूजा हो रही है, फिर ऊपर दिवाली का पटाखे फोड़े जा रहे हैं, फिर यहाँ पे डांडिया वगैरह, मतलब सभी त्यौहार का एक ही पेंटिंग में दिखाया गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग। जरूर देखिए, अभी देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो अपना इस पिक्चर के द्वारा हमारे दादा राम नगर हवेली का जनजीवन बताया गया है। यहाँ पर कोने पर देखिए एक इंसान गुलेल लेके अपना शिकार कर रहा है और पेड़ के ठीक बगल में एक इंसान सर पे एक टोकरी ऐसा कुछ रख के वो केकड़े पकड़ने वाला जाली है और उसके साथ एक डॉगी भी है, छोटा कुत्ता। और आजू बाजू देखिए कुछ लोग लकड़ियाँ बिन रहे, कुछ लोग पानी भरने के लिए जा रहे हैं और कोने पे कुछ लेडीज लकड़ियाँ बिन रही थी और चूल्हे पे कुछ पका भी रही थी। फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धान कटाई का सीजन चल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे धान काट के उसको छटनी कर रहे हैं। यहाँ पे चावल को धान से अपना धान से अलग किया जाता है यहाँ पे। और कुछ एक यहाँ पे बुआ भी है जो कि भगत बोलते हैं, रीत रिवाज करते हैं और कैसे धान दाना अलग करके टोकरी में भरा जाता है। फिर कितने लोग यहाँ पे रहते वो सब पूरा जनजीवन दिखाया गया है, बहुत ही सुंदर है। फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट पेंटिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे कुएं के पास कुछ औरतें पानी भर रही है और पानी लेकर अपने घर पे जा रही हैं और वहाँ पे एक आदमी अपने बैल बांध रहा है और उनको पानी दे रहा है। और यहाँ पे घर का बाड़ा दिखाई दे रहा है और उसमें एक लेडीज धान पीस रही है जो एक चक्की टाइप का होता है, पत्थर से बना हुआ, जो हमारे गांव में देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया। और आगे नेक्स्ट पेंटिंग में देखते हैं। फ्रेंड्स, इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे होली पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है। बीच में जो दिखाई दे रहे वो होली है जो गाँव में हमारे इसे ही बनाते हैं और पारंपरिक नृत्य भी हो रहा है और सब लोग होली माता का आशीर्वाद ले रहे हैं झुक के। यह होली है, दिया जला के यहाँ पे तोरण वगैरह सब बना के नाच भी रहे हैं कुछ लोग और देखिए झुक के प्रणाम भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और ये तोरण है जो मतलब हर होली में इसे बनाते ही है, जिसे शुभ माना जाता है। और ऊपर ये देखिए सब लोग झुक कर माता का आशीर्वाद ले रहे हैं, होली माता का। और यहाँ पे कुछ लोग नाच भी रहे हैं और नारियल डाल रहे हैं होली में कुछ लोग, देख सकते हैं। और एक इंसान अच्छे से होली को जलाने के लिए लकड़ी लेके वहाँ पे खड़ा है। और ये देखिए बहुत से लोग प्रणाम करे, दड़वन प्रणाम करे और यहाँ पे नाच भी रहे हैं, फल फूल अंदर होली माता को रहे। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये बारिश का मौसम है, इसमें हमारे आदिवासी भाई बहन मछली पकड़ रहे हैं। और ये देखिए ये मछली का जाल फेंका है और ये इसमें मछलियाँ भी आप लोगों को दिखाई दे रही। और ये इसको ये मरई बोलते हैं, मरई, इससे हम केकड़े पकड़ते हैं, ये रहे केकड़े। और तो हाँ, ये रहा, ये ऐसे नेट टाइप है जैसे कि दुपट्टा टाइप रहता है कपड़ा, उससे दो लोग मिलके मछली पकड़ते हैं। और ये रहा बम्बू का वो बोट टाइप बनाते हैं, उस पर बैठ के
मछली पकड़ के यह रहा गमला, इसमें डालते हैं। ऐसे बहुत सारा ऐसे खूबियाँ हैं और भी आप लोगों को दिखाते हैं। और ये पेड़, और ये रहा गणपति का त्यौहार। यहाँ पे गणपति का, गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी मनाया जाता है धूमधाम से। और उसमें भजन कीर्तन गाते हुए ये पेटी, अपना वो क्या बोलते हैं, वायलिन, ढोलक, सितार जो भी है वो सब बजाते हुए। और यहाँ पे गाय बैल भी दिखाए गए हैं नाचते गाते। ये देखो नाचते गाते इसे विसर्जन में लेके जाते हैं, सर पे रख के फिर विसर्जन ऐसे नदी में अभी विसर्जित कर रहे हैं। और भी है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेंटिंग में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, ये है नवरात्रि का सीजन। यहाँ पे नवरात्रि का दिखाया गया है पूजा। यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे बाघ है, शेर भी है माता जी के, और सब लोग पूजा अर्चना कर रहा है। और ये देखिए, ये दोनों शेर दिखाए गए हैं और पूजा अर्चना भी हो रहा है। और कुछ लोग गरबा खेल रहे हैं और एक साइड में डांडिया रास भी हो रहा है। और ये खम्भे लगाया गया और श्रृंगार पूरा डेकोरेशन हो रखा है यहाँ पे, बहुत ही पारंपरिक तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है कि यह हमारे कल्चर में गरबा कैसे खेलते हैं। दूसरा है ये त्यौहार, इसमें बताया गया है सब लकड़ी के चूल्हे पे कुछ रसोई बना रहे हैं, यहाँ पे सब्जी वगैरह कुछ पका रहे हैं। और ये कुछ स्टोर कर रहे हैं, कुछ तो बिन रहे हैं इसमें, क्या वो पता नहीं। और ये धान कूट रहे हैं। और ये जो लकड़ी है इसको हमारी लैंग्वेज, आदिवासी लैंग्वेज, मुहार बोलते हैं, अभी पता नहीं दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। और ये छटाई कर रहे हैं यहाँ पे। और ये खजूर का पेड़, और ये ताड़ी का मटका लटकाया, और ये यहाँ पे माँ अपने बेटे को रोटी खिला रही। और ये यहाँ पे लोग लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, और यहाँ पे आदमी लकड़ी काट रहा है। और भी है। और यहाँ पे ये क्या है फ्रेंड्स, ये हाँ, ये यहाँ का आदिवासी कल्चर का भुआ, जिसे भगत बोलते हैं, भुआ है ये। ये अपना घांघरी बजा रहा है, ये जो है ये वाला, ये और ये अपना कद्दू आता है ना, दूधी वाइट कद्दू, उसका बनता है। और लकड़ी का ये अपना एक टाइप का गिटार टाइप कुछ होता है, वैसे ही बजता है टिंग टिंग करके। ये सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये ढोल वाला, ढोली, और ये सब लोग मिलके नाच रहे हैं शायद ये। और ये बच्चे यहाँ पे गाड़ी बना के खेल रहे हैं। और यहाँ पे वट सावित्री का या तुलसी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ और पे तुलसी पूजा। और ये भाई साहब अपने बकरियाँ चराने के लिए जा रहे हैं। और भी एक चित्र है, हाँ, ये हमारे आदिवासी नृत्य का कुछ बता रहे हैं, डांस जैसी योगा टाइप, एथलेट डांस बोल सकते हैं। ये नाच रहे हैं और ये ढोल बजा रहे हैं, मंजीरा, ये ढोल, यहाँ पे मंजीरा, और ये सब भजन कीर्तन गा रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, थाली और तूर, हाँ, ये हमारा आदिवासी खास नृत्य, ये तूर बोलते हैं इसको, हर शादी में चाहिए ही चाहिए। और ये थाली बजाते हैं और ये लोग नाच रहे हैं, बहुत ही प्यारा नृत्य होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे आदिवासी कल्चर के बारे में जितना मुझे पता था उतना मैंने बताया, कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से और भी बताऊँ।
तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बने रहे वीडियो में, धन्यवाद। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और एनजी व्लॉग DNHNDD को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये सारी पेंटिंग्स आपको लायन सफारी वासोना में देखने को मिलेगी वहीं पे। लेकिन एक ध्यान रखना, यहाँ पे मंडे को क्लोज रहता है, तो मंडे को ना आए।